अंतिम चरण में चल रहा, लगभग हर प्रत्याशी अड़ी चोटी लगा दिए हैं, आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से अपील करते हैं कि इस बार चुकना नहीं है, नरकीय स्थिति हो गया शहर को नरकीय स्थिति से बचाने के लिए एक बार मेरी पत्नी सरिता देवी मेयर पद के उम्मीदवार हैं, इनका छाप जोड़ा हिरन छाप है, 22 नंबर कलम संख्या पर, इसे मतदाताओं से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार से मुक्त शहर चाहिए, 12 वाला शहर चाहिए, 12 के पहले वाला जो नगर निगम था उसका प्रशासन चाहिए और उसका मेयर चाहिए। इसे जनता से अपील करते हैं कि आपको चुकना नहीं है, और देख रहे हैं कि जन सैलाब रात में भी लोग हमारे साथ सुबह से 5 बजे से अभी तक हम लोग दौरा कर रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं आ रहे हैं, जनता मेरे साथ प्यार मिला पूरा। अध्यक्ष जी, एक बात है कि अब जात पात की बातें कई लोग करने लगे हैं, जात से जोड़कर अपने समुदाय वर्ग के लोग अब वोट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि उस तरीके की राजनीति? मेरा तो यह बताइए कि मैं कहाँ से जीता हूँ, मैं मुस्लिम समाज इलाका से जीता हूँ, अल्पसंख्यक इलाका से जीता हूँ, वहाँ के लोग जब हमको वार्ड पार्षद बना के मेयर बनाने का काम किया, और फिर वहाँ के वो मेरी जान और मेरी पहचान मेरी शान है, और वो लोग भगवान अल्लाह से लोग दुआ कर रहा है कि अवधेश भाई इस बार जीत जाए, और लोग भगवान से दुआ कर रहा है कि अवधेश भाई जीत जाए, इसलिए कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो एकमात्र प्रत्याशी है सरिता देवी, दूसरा कोई आरा नगर में प्रत्याशी नहीं जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, मेरे रीजन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोग उतर गए हैं चुनाव के प्रचार में, बड़े बड़े लोग उतर गए हैं हर एक प्रत्याशी की तरफ से। बड़ा तो जनता है, जनता बड़ा है, जनता इस बार जीतेगी, जनता ईमानदार प्रत्याशी खोज रही है, जनता इस बार जीतेगी, जनता देखे दम लगा दी है, और दम लगा दी है तो चुनाव निश्चित है कि सरिता देवी जीतेंगी, जनता जब लग गया है तो जीतेंगी, और जनता को चाहिए विकास, जनता को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, और जनता एकदम मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त शहर चाहिए, तो सरिता देवी उम्मीदवार है और दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि सब लोग ने देखा है मेरा कार्यकाल। सुबह से लेकर अभी रात हो गया है, लोग किस तरीके से आपको देखते हैं, क्योंकि अवधेश जी पहले भी पूर्व मेयर रह चुके हैं, आप उनकी पत्नी हैं, तो लोगों का क्या कहना होता है, क्या आप कहना चाहिएगा अपने मतदाताओं से? नगरवासियों, शहरवासियों, मताओं, बहनाओं, भाइयों, बहनों, लोगों के नमस्कार करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, उस लोग से सभी लोग से आग्रह कर रही हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह जोड़ा हिरन छापा है 22 नंबर पर, हमको पूरा बहुमत से जिताने के काम करे लो, विकास करवाने के काम करे लो। रोड शो कब रख रही हैं आप लोग? रोड शो हमारा 26 तारीख है, 10 बजे मेरा कार्यालय आवास से, 10 बजे दिन में 10 बजे से है रोड शो। मताओं बहनाओं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारा 10 बजे आवास पर आ जाइए, हमारा रोड शो में शामिल होइए, मैं मेयर प्रत्याशी से पत्नी है, देख सकते हैं।